मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक एक ऐसा केस स्टडी है जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये मैंने एक प्लॉट के प्लॉट की शक्ल बनाई है, इमेज बनाई है। पीछे से 56 फुट चौड़ा है, एक जो भाई है इसकी 202 फुट है और एक 220 है और एक 65 फिट है और यहाँ ये रोड लग रही है। इसको ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये प्लॉट बिकने के लिए है, मोहाली के पास ही प्लॉट है। जो बंदा इसको प्लॉट को बेच रहा है वो ये कह के बेच रहा है कि रोड का फ्रंट 65 फिट है इसका। तो जब रोड का 65 फिट है, बाजार में है, तो हम कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि इसमें 10 फुट वाली 6 दुकानें बनेंगी, 12 फुट वाली 5 बनेंगी या 15 फुट वाली 4 बनेंगी। हम कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो रेट मांग रहा है इसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन ठीक चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? जब हमने पीछे से इस प्लॉट को नपाई करी इसकी, तो ये पीछे से 56 फुट रह गया। अब 9 फिट का फर्क आ गया। ये प्लॉट में कान है और रोड में, मतलब रोड इस तरीके से कटी हुई है। अब ये यहां से यहां तक तो 65 है, लेकिन यदि हम इसको राइट एंगल में लाएंगे तो यहां से यहां आएगा तो ये 56 फुट ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको मद्देनजर रख के, 56 फुट को मद्देनजर रख के इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, 65 फुट रख के नहीं कर सकते। जबकि देखने वाला बंदा ये असेसमेंट करेगा कि 65 फुट में दुकान है, एक दुकान यदि 20 लाख की बिक जाएगी तो ये समझो यदि 5 दुकानें हैं तो 1 करोड़ रुपए का माल बिक जाएगा। हुआ क्या, इसमें 20 लाख रुपया नीचे डाउन ही आ गया एकदम ही। तो एकदम डाउन आने की वजह से ये जो परचेज है उसकी महंगी पड़ गई उनको, जिन्होंने ये प्लॉट लेना था। अब देखने वाली बात यह है, यदि ये 65 फुट होता तो इसकी सेल प्राइस बहुत बढ़िया आती है, उसका प्रॉफिट भी निकल जाता सब कुछ। लेकिन 56 फुट की वजह से यदि हम 4 शोरूम भी, 4 दुकानें भी निकाले, इसमें 14 फुट की 4 दुकानें ही निकलेंगी, 13 की 5 इसमें नहीं निकल सकती क्योंकि 9 फुट का वैसे ही फर्क आ गया। तो ये हम बेवकूफ बन जाते हैं कि बेवकूफ इसलिए बन जाते हैं कि हमने ये 65 फुट तो देख लिया लेकिन पीछे से नहीं देखा। पहले भी मैंने एक वीडियो दी थी कि इस तरीके से उसका जो 121 फिट था और पीछे से 88 फिट था प्लॉट, तो वो 121 फिट कह के बेच रहे थे जबकि 121 नहीं है। अब जो बेचने वाला हो तो कह रहा है मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो आपने फ्रंट नाप के दे दिया। और जिसने प्लानिंग करनी है उसको तो कम से कम ये देखना ना, यदि यह प्लॉट वाकई 65 फुट होता तो इसमें एक शोरूम या एक दुकान बड़ी निकल जाती तो एक दुकान 20 लाख रुपया और आपको मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, जो दिख रहा है वो इसमें नहीं है। जो इसमें दिख रहा है इस इमेज में, जो मौके पर जो आप जाके देखोगे इस प्लॉट को, जो इसमें दिख रहा है वो नहीं है। इसमें 65 फुट का फ्रंट नहीं है, सामने से 65 फुट जरूर है, टेढ़ेपन में 65 फुट है, लेकिन यदि हम राइट एंगल में ले तो 56 फुट है। तो ऐसी जो गलती है वो मत करना। आप ऐसी गलती करोगे तो इसमें कई बार हमें फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों, ये सिंपल ऐसी बातों का ध्यान रखना। ये चैनल मेरा आपके लिए ही है, कोई भी बात मेरे को पास आती है तो मैं आपके साथ 100% शेयर कर देता हूं, ताकि जो गलती हम करने की गुंजाइश है, मेरे में करने की गुंजाइश है, वो हम बचते हैं उससे, वो आप भी बच जाओ। यदि कोई और आदमी हो जो पीछे से नहीं नपाई नहीं करेगा इसको, तो डेफिनेटली वो 65 फुट के हिसाब से अपनी बना के बैठ जाएगा, प्लानिंग करके बैठ जाएगा और इतनी दुकानें निकलेंगी, इतना ये होगा, और होगा क्या, उस बंदे को नुकसान हो जाएगा। आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा भी करना। यार चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, आप ही का चैनल है यार। और आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में। हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है, अभी जून में शुरू होने वाली है। यदि आप एनरोल करना चाहते हो तो उसमें आ जाओ, आपको ऐसी बातें इतनी ज़्यादा मिल जाएंगी कि आप कभी भी जिंदगी में, मतलब प्रॉपर्टी खरीदते समय गलतियां कम से कम करोगे। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें।
और मैं आपके सामने नए टॉपिक पर एक वीडियो ला रहा हूं, बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, हम रल मिलके मिलजुल के हम सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। पढ़ेगा समाज तभी तो बढ़ेगा समाज। थैंक यू वेरी मच।